आज हम लोग सीखेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की माप स्प्रिंग में, ठीक है। क्लास 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज क्या सीखेंगे, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की माप, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की माप किसमें, ब्रैकेट में डालो, स्प्रिंग में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ना, क्या कहेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लो, इन अ स्प्रिंग, किसमें, स्प्रिंग में जो है हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती। देखो मान लीजिए अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को ये पहले इस फॉर्म में थी, आप इस पे एक डिफार्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, इसके फॉर्म को चेंज करने के लिए विरूपक बल, डिफार्मिंग फोर्स को क्या कहते हैं, विरूपक बल। अच्छा, चूंकि प्रत्यास्थता मैंने गुण बताया था, प्रत्यास्थता क्या होता है, सभी पदार्थ किससे बने होते हैं, परमाणुओं से, और वो परमाणुओं से, अणु किससे बने होते हैं, परमाणुओं से, और वो अपनी उसी पोजिशन में रहना चाहते हैं, जब मैं उसको फोर्स लगाता हूँ तो वो वहाँ से डिस्प्लेस्ड होते हैं, विस्थापित होते हैं, और वो पुनः उसी पोजिशन को बनाए रखने के लिए अपने अंदर एक बल को जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। वो बल क्या होता है, जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं उसी के इक्वल और अपोजिट होता है। अगर 10 न्यूटन से मैं अंदर को दबा रहा हूं तो अंदर जो फोर्स जनरेट होगा वो कितने का होगा, 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। ये पुनः उसको, जैसे मैं विरूपक बल को हटाऊंगा, डिफार्मिंग फोर्स को, वो पुनः उसी पोजीशन को ले आएगा। तो जो मैं फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, कन्फिग्रेशन लाना चाहता हूँ, उसको हम कौन सा फोर्स कहते हैं, कन्फिग्रेशन कहते हैं, सॉरी डिफार्मिंग फोर्स कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। और विरूपक बल लगाने से इसका कन्फिग्रेशन होता है, और जैसे ही विरूपक बल लगाओगे तो उतने अंदर कौन सा बल जनरेट होगा, उसके विपरीत दिशा में, प्रत्यानयन बल, जिसको कहते हैं री स्टोरिंग फोर्स, जो उसको उसी पोजीशन में लाना चाहता है। ये भी किसी भी पदार्थ की इलास्टिसिटी होती है, उसकी प्रत्यास्थता का गुण होता है, ठीक है। उसी प्रत्यास्थता गुण के कारण इसको हम कौन से कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसका मेजरमेंट किया जाए, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, बाहर की ओर खींच दिया स्प्रिंग को, अगली बार खींचने पर क्या होगा, स्प्रिंग ऐसी होगी, सबको पता है, डिस्टेंस बढ़ेगी, ये यहाँ पर आ गए, बताओ पहले ऐसे थी, अब इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट इतना, कितना विस्थापित हो गई है, एक्स विस्थापित हुई। अच्छा अब सोचो, अंदर दबाते तो फोर्स बाहर की ओर लगाता, अब इसको मैं बाहर खींच रहा हूँ तो स्प्रिंग क्या करेगी, फोर्स अंदर की ओर लगाएगी, क्यों, क्योंकि अपोजिट दिशा में, अगर 10 का तुमने बाहर लगाया तो ये 10 की ओर अंदर जनरेट करेगी, एक लिमिट तक की करती है, उसके बाद इसकी सीमा समाप्त हो जाती है। लेकिन हम उसी लिमिट के अंदर मान रहे हैं कि अगर मैंने एक्स फोर्स, अब सोचो इसको, स्प्रिंग को जितना खींचोगे, पहले फोर्स कम लगाया, डिस्प्लेसमेंट कम, फोर्स और लगाया, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा, फोर्स और लगाया, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा, तो जितना फोर्स लगाते जाओगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, और जितना तुम फोर्स लगाओगे इसके अंदर का फोर्स उतना ज़्यादा जनरेट होगा। तो हमको क्या नज़र आ रहा है कि इसका विस्थापन, मतलब एक्स बढ़ाने से इसके अंदर का जो प्रत्यानयन बल है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसके अंदर का जो खिंचाव है, जितने ज़्यादा तुम विस्थापित करोगे अंदर का खिंचाव, वो उतने ज़्यादा उसको अंदर की ओर खींचेगा। तो विस्थापन बढ़ा रहे हो तो अंदर का फोर्स भी क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों एक के बढ़ रहे हैं, दूसरा बढ़ रहा है, तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर यदि क्या लिखेंगे, यदि स्प्रिंग को उसकी साम्य समझते हो, मीन पोजीशन है ना, ये इसकी कौन सी स्थिति है, साम्य स्थिति, मीन पोजीशन जहाँ पे था, उसकी साम्य स्थिति से एक्स विस्थापित किया जाता है, एक्स कितना, एक्स मीटर सेंटीमीटर इंच जिसमें हो ना, एक्स विस्थापित किया जाता है, तो स्प्रिंग का आंतरिक खिंचाव बल, तो स्प्रिंग का वही प्रत्यानयन है ना, स्प्रिंग का आंतरिक खिंचाव बल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसी विस्थापन के। और सबको पता है, मैंने बताया था जब भी हम प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते कोई ना कोई क्या लेके आते हैं, कांस्टेंट लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट लेके आए, कांस्टेंट क्या,
के, और इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये आगे जब आप लोग इंटर में पहुंचेंगे तो हुक्स लॉ में बताया जाएगा कि कैसे वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कब इसका साइन पॉजिटिव लेते हैं कब निगेटिव लेते हैं, तो हुक्स लॉ जब आप पढ़ेंगे तो समझाया जाएगा। तो अभी केवल हम इतना जानते हैं जहाँ वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग नीतांक है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक कि हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ तो यहाँ पे इस जगह पे एफ कितना तुम्हारा फोर्स आ गया, सबको दिख रहा है के एक्स आ चुका है, अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख ले, हाँ दिख रहा है ना। तो हमको एक बात समझ में आती कि यहाँ क्या है, एफ इक्वल टू के एक्स है, अच्छा यहाँ पे एफ कितना है, जब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो जीरो ही होगा, तो इन दोनों का औसत बल मीन फोर्स कितना आ जाएगा, माध्य बल कितना आएगा, सबको तो माध्य बल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे दो से डिवाइड करा देंगे, तो माध्य बल मीन फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो प्लस के एक्स बाई टू, इसी को हम क्या लिख देंगे, हाफ के एक्स लिखा जाएगा, ये इतना हो गया। अच्छा बताओ हम कहते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक की खींचा तो क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और तुमको पता है वर्क की डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो फिजिक्स की भाषा में उसमें क्या हो चुका होता है, वर्क हो चुका होता है, तो यहाँ भी वर्क डन हुआ है, तो वो वर्क डन कितना हुआ है, तो जितना इसको विस्थापित किया गया जितने फोर्स लगाने से, तो वर्क डन कितना होगा, किया गया कार्य, किया गया, किया गया कार्य, वर्क डन, वर्क डन इन स्प्रिंग, है ना, कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बल गुणे विस्थापन, है ना, तो बल कितना, यही लगाया है मीन बल जितना निकाला, एक बटे दो के एक्स, अच्छा विस्थापन कितना है, सबको पता है देखिए एक्स विस्थापन किया है ना, ये हो गया, तो एक बटे दो कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर, यही क्या हुआ है, वर्क डन। अच्छा बताओ मैंने बताया था ना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या, जैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं तो उसमें जितना भी फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से जितना भी डिस्प्लेसमेंट आता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, वर्क डन, और वही वर्क डन उसमें किसके रूप में कंजर्व हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, मैंने इसको खींचा, खींच के रख दिया, लॉक कर दिया, अब ये वर्क डन हो चुका है इस ऑब्जेक्ट पे, जो कि जिसके ऊपर वर्क डन होता है, मैंने बताया था उसके अंदर क्या आ चुकी होती एनर्जी, जो वर्क करती है उसकी एनर्जी खर्च होती, जिस पर वर्क होता है उसकी एनर्जी बढ़ चुकी होती, तो यहाँ पे एनर्जी कुछ नहीं थी, यहाँ इसकी एनर्जी बढ़ चुकी, लेकिन वो एनर्जी किस रूप में है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, कितना है, जितना मैंने इस पर वर्क किया है, तो किया गया वर्क ही किसके रूप में संरक्षित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, स्प्रिंग पर किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संरक्षित हो जाता है, स्प्रिंग पर स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित होता है, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित, लिख लेना, संरक्षित होता है, तो वर्क डन ही क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये स्प्रिंग के अंदर संरक्षित ऊर्जा आ गई, यहाँ किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है उसके उस पर डिपेंड करता है ना, कभी कभी स्प्रिंग का कांस्टेंट ज़्यादा होगा कम होगा, किसी पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा ना, लेकिन हर स्प्रिंग में वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का समाप मतलब क्या, किसी यांत्रिक ऊर्जा में ना, स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, सम जो है नियत होता है, वो नहीं बदलता है, बाकी इसको ऊपर उठाते जाएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इसको ऊपर फेंका तो गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ऊपर से गिरना चालू करेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, लेकिन दोनों का टोटल वो नहीं बदलता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ा जाए वो टोटल क्या होता है, वो कांस्टेंट होगा, बाकी बदलता रहेगा बीच में, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अगेंस्ट ग्रेविटी में देख लें, लेकिन एक शर्त ये है कि ये कब नियत होता है, यांत्रिक ऊर्जा नियत कब होती है, वो नियत तब होगी जब उस पर कोई फ्रिक्शन काम
ना कर रहा हो। फ्रिक्शन काम करेगा तब नहीं होगा। ऊपर से गिराना चालू किया, घर्षण बहुत ज़्यादा है, पानी में गिरा दिया तो चूंकि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तब दिक्कत है। वो कब के लिए है? जब फ्रिक्शन काम ना कर रहा हो। तब क्या होता है? के ई प्लस पी ई इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये बात समझ पाए? ये कहने का मतलब ये कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, इन दोनों का योग क्या होता है? नियत होता है, नियतांक होता है। यही आपको समझना है कि किसी भी स्थिति में इन दोनों का योग नहीं बदलेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा लगातार बदलते रहती है, लेकिन इन दोनों का योग नियत होता है। इसको याद रखिएगा, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करना चालू करें, इस ऑब्जेक्ट को हम धीरे से यहाँ लेके आए, तो सबको पता है इस ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ से यहाँ तक की लाऊंगा, m मास का था, मास कितना m, हाइट कितनी h, यहाँ पे mg काम कर रहा था, mg को ऊपर लेके आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी, ये बता चुके थे, एम जी एच फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना था, एम जी था, डिस्प्लेसमेंट एच, तो एम, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होती थी, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच। और चूंकि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था तो यहाँ कनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो एक पोजीशन हम यहाँ पे लेते हैं, एक ए, एक पोजीशन बी और एक पोजीशन इसकी सरफेस, तीनों पर हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा निकाल लें। यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी स्थितिज ऊर्जा को पीएस दिखाएंगे और प्लस के ई निकालेंगे गतिज ऊर्जा, यहाँ पे भी पीई और के ई निकालेंगे, यहाँ पे भी पीई और के ई निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो पहले हम एट अ पोजीशन वन, है ना, हम लिख दें कि बिंदु ए पर, है ना, बिंदु बिंदु ए पर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, बताओ। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी और हाइट, तो हाइट कितनी है, ये एच है, तो कितना हो गया, एच हो गया। अच्छा, बिंदु ए पर ही हम लिखें गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वही लाइन पूरी लिखोगे, चेंज केवल इतना करना है, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो वी कितना होगा, सबको पता है वी जीरो हो जाएगा। वी जीरो रखोगे तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हो, के ई से, ये है पी, तो यहाँ पे के ई कितना आया, बोलो, जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा ये, गतिज ऊर्जा ये, तो इन दोनों का सम करो तो कितना आ जाएगा, पी ई को एम जी एच लिखोगे, मैं लिखूं दोनों का सम, टोटल टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब पी ई प्लस के ई, है ना, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पी ई कितना आया है, एम जी एच आया है, के ई जीरो आया, तो टोटल कितना आया, एम जी एच, यहाँ पे भी टोटल एम जी एच है। अब हम कहते हैं ऐटा बिंदु बी पर इसको गिराना चालू किया, अच्छा गिराना चालू करोगे तो क्या होगा, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है अब मूव करना चालू करेंगे, तो स्थितिज किसमें चेंज होते जाएगी, गतिज में, तो यहाँ पे स्थितिज लगातार कम होगी और गतिज बढ़ेगी, तो हम कहते हैं इस जगह पे इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई और स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई, दोनों को निकालें और जोड़ लें कितना आता है, तो बिंदु बिंदु बी पर, बिंदु बी पर स्थितिज, पहले निकाल ले गतिज ऊर्जा, ना गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अच्छा गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, एक बटे दो एम वी स्क्वायर। एक चीज लेकिन देखना है, यहाँ पे इसकी प्रारंभिक वेग जब रखा हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई, वी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन निकाल लो, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2ax, a की जो है g काम कर रहा है और x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की वो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, हम इसको देखते हैं, अगर हम टोटल h है और यहाँ से यहाँ तक की हम केवल x लें, कितना लें, ये x ले लें, तो ये कितना बचेगा, h माइनस x बचेगा, तो इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की कितना चला है, x चला है, तो कितना रखेंगे, x रखेंगे, अच्छा इनिशियल कितनी है सबको पता है, जीरो प्लस टू जी एक्स, तो v स्क्वायर की है कितना रखेंगे, टू जी एक्स, एम इंटू टू जी
एक्स, टू से टू कटेगा कितना आया एम जी एक्स आ गया। ठीक है, ये तो हमारी आ गई कौन सी ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी। इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल बताओ कितनी, सबको पता है कि उसकी टोटल हाइट लेते हैं तो यहाँ से यहाँ हाइट कितनी बची है, और एम और जी वही है तो कितनी हो जाएगी एम जी, हाइट कितनी बची एच माइनस एक्स कराओ तो एम जी को एच हो जाएगा तो एम जी एच होगा, फिर एक्स से कराओगे तो माइनस का एम जी एक्स होगा। तो हमारा हमारे पास पी ई भी आ चुका है और कैनेटिक एनर्जी की के ई आया, दोनों का टोटल निकाले तो बिंदु बी पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ बी है ना, एट बी, तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी के ई प्लस पी ई करो, के ई प्लस पी ई, के ई कितना एम जी एक्स और पी ई कितना एम जी एच और माइनस का एम जी एक्स। तो एम जी एक्स से एम जी एक्स कटेगा कितना बचा एम जी एक्स, देख ले दिख रहा है बढ़िया गुड, यहाँ तक की कोई दिक्कत ही नहीं ना तुम लोगों को, यहाँ तक लिख सकते हैं। तो एम जी एक्स से एम जी एक्स कटेगा कितना बचा एम जी एच बचा। अच्छा बताओ बिंदु बी पर भी इन दोनों का टोटल कितना आया है के ई प्लस पी एम जी एच, यहाँ भी टोटल कितना आया एम जी एच। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक यह के ई यहाँ पे जीरो था, पी ई सर्वोच्च था तब भी यही, यहाँ के पी ई कुछ बदला के ई कुछ हो गया, लेकिन इन दोनों का टोटल एम जी एच, तो इन दोनों बिंदुओं पर ये तो नहीं बदला। अब हम सरफेस पे भी देख लेते हैं कितना परिवर्तन हुआ है, तो बिंदु सी पर भी देख लिया जाए के ई प्लस पी ई कितना है। इसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन मिटा देता हूँ, तो कहाँ पे देखना है अब हमको बिंदु सी पर, सी मतलब सरफेस पर है ना, बिंदु सी पर पहले क्या निकाल लें पी ई, भाषा लिख लेना ना, बिंदु सी पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, सबको पता है अगर ये यहाँ से यहाँ तक की चला है तो हाइट कितनी बची जीरो एम जी एच, चूँकि एच कितना है जीरो तो एम जी एच की जगह कितना हो जाएगा जीरो, तो कितना आ जाएगा पी जीरो, क्योंकि हाइट तो कुछ बची ही नहीं, एच जीरो हो जाएगा तो टोटल कितना हो गया पी ई जीरो आ चुका है। अच्छा के ई बताओ, तो सबको पता है यहाँ से यहाँ तक किसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये एक्स कितने बदल चुका है एच में, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एक्स के है क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, टू ए एक्स होता ना ए की है जी और एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है एच हो चुका है, इनिशियल जीरो थी प्लस टू जी एच वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है टू जी एच, तो के ई इक्वल टू एम इन टू टू जी एच, टू से टू काटोगे, अगली लाइन मिटा दें, तो हमको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या दिख रहा है कि एम जी एच बचा, के ई कितना बचा एम जी एच, तो बिंदु सी पर के ई प्लस सी पर, सी पर के ई प्लस पी ई कितना है, के ई सबको पता है एम जी एच आया है और सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई जीरो, लेकिन दोनों का सम आप कितना है टोटल। तो हमको यहाँ से क्या नज़र आ गया कि लगातार स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदलती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बदलती है, लेकिन दोनों का जो है योग नियत रहता है वो कभी नहीं बदलता है, इसी को कहते हैं कि ये हमेशा नियत होता है। ठीक, तो यांत्रिक ऊर्जा किसी भी स्थिति में वो नियत होती है, बस अलते कि वहाँ पर फ्रिक्शन बल क्या घर्षण बल काम ना कर रहा। तो आज की यहाँ क्लास हो गई, इसके बाद अब यहाँ कुछ विशेष बचा नहीं, अब हम केवल ऊर्जा का रूपांतरण कैसा होता थोड़ा बहुत समझा देंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। ठीक, हाँ अभी एक चीज़ बचा हुआ, पावर बताना है कि मशीन में पावर कैसी होती है, उसकी क्षमता क्या होती है, तो आपको पावर बताया जाएगा कि रेट डूइंग ऑफ वर्क क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, पावर पी क्या होता है डब्ल्यू अपान टी, इसका मात्रक भी क्या, इसका मात्रक जो है जेम्स वाट के सम्मान में वाट भी लिखा गया था, बाकी जूल प्रति सेकंड भी होता है, ये अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, मतलब सॉरी इसी चैप्टर में बात करेंगे, बाकी आज इस क्लास को हम लोग विराम देते हैं। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।